अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं कल्याण सिंह। बीती रात बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूपी के सीएम रह चुके कल्याण सिंह ने अंतिम सांसें ली। राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा माने जाने वाले कल्याण सिंह का 79 साल की उम्र में निधन हुआ। पीएम मोदी ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि अपने नाम को चरितार्थ करते हुए कल्याण सिंह का जीवन गरीबों के कल्याण में ही बीता। कल रात करीब 9:15 बजे कल्याण सिंह ने SGPGI में अंतिम सांसें ली। 4 जुलाई से वो भर्ती थे, लगातार उनका इलाज चल रहा था। बीच में उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ था, वो प्रतिक्रिया देने लगे थे अगर कोई उनसे बात करे तो, लेकिन उसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर लगाया गया। और जीवन मृत्यु के संघर्ष में तमाम कोशिशों के बावजूद कल्याण सिंह हार गए। उन्होंने कल रात 9:15 बजे के करीब अंतिम सांसें ली। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जननेता बताया उन्हें और कहा कि कल्याण सिंह ने अपने नाम को चरितार्थ किया। के लिए ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे, एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हरेक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए, उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखे। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दें, यही प्रार्थना करता हूँ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कल्याण सिंह को कैसे याद किया, वो भी आपको सुनवाते हैं।
संयोग ऐसा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के काम में पहले था, राजनीति में आने से पहले, लेकिन बाबूजी का आशीर्वाद मुझे पूज्य अशोक सिंघल जी के साथ पहली बार जब मैं आया था तब भी प्राप्त हुआ, और पूज्य अशोक जी के जाने के बाद भी मैं बहुत बार बाबूजी का आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया, और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ एक एक पल, एक एक उनके द्वारा किया गया समर्पण या त्याग मुझे ही नहीं, हर राम भक्त को, हर देशवासी प्रदेशवासी को याद है, हर अयोध्यावासी को याद है, और उनका जो योगदान रहा है उस योगदान की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। संपर्क जीवंत रहा है और मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार की भूमिका उन्होंने निभाई, यह कहने में मुझे संकोच नहीं है, और मैं उनसे जब कहता था तो वह हंसते भी थे। मैंने कहा कि हम लोग तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाई साहब आप तो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर हंसते थे और हम लोगों की पीठ थपथपाते थे। समय समय पर जो उनका व्यवहार मेरे प्रति रहा है, मैं कह सकता हूँ कभी नेता के रूप में अपने साथ उनकी भूमिका को देखा है मैंने, कभी बड़े भाई के रूप में उनकी भूमिका को देखा है, और कभी मित्र के रूप में भी उनकी भूमिका को देखा है। प्रार्थना करता हूँ रामलला कल्याण सिंह के परिवार को शक्ति दें कि कल्याण सिंह के परिवार में एक कोई महान व्यक्ति पैदा हो जो फिर से कल्याण सिंह बन करके समाज की रक्षा करे। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान राम लला से प्रार्थना करता हूँ कि कल्याण सिंह को मुक्ति प्राप्त हो और कल्याण सिंह फिर से, हमारे यहाँ नियम है हिंदू धर्म शास्त्रों में कि पुनर्जन्म होता है, मैं चाहता हूँ कल्याण सिंह जैसा महापुरुष पुनर्जन्म लेकर के भारत माता के गौरव की रक्षा करें, यही मेरी शुभकामना। ABP News आपको रखे आगे।